Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I am delivering my next lecture of C Programming, CS201. The topic of my next lecture is files. What is files in C? A collection of data or information that are stored on a computer known as file. डेटा का कलेक्शन या सूचना इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती है उसे हम फाइल कहते हैं। बेसिकली फाइल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स जो कि स्टोर कहाँ पर रहती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, फॉर एग्जांपल ऑन हार्ड डिस्क। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। फाइल चार प्रकार की होती है, डेटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स एंड डायरेक्टिव फाइल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट तरह की फाइल्स डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अ फाइल हैज अ बिगनिंग एंड एन एंड। फाइल का एक बिगनिंग पार्ट होता है और एक एंड पार्ट होता है। वी नीड अ मार्कर। हमको मार्कर को कहाँ पर ले जाना है? उसकी करेंट पोजिशन फाइल की, जहाँ से कि वो शुरू हो रही है, और उसके बाद में हम उसको रीड करते हैं या राइट करते हैं फाइल के साथ में। इनिशियली द मार्कर इज एट द बिगनिंग ऑफ फाइल। वी कैन मूव द मार्कर टू एनी अदर पोजीशन इन द फाइल। इनिशियली मार्कर कहाँ पर होता है? शुरुआत के अंदर होता है, बिगनिंग ऑफ द फाइल में होता है। उसके बाद में हम मार्कर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। द न्यू करेंट पोजिशन कैन बी स्पेसिफाइड एज एन ऑफसेट फ्रॉम द बिगनिंग द फाइल। वॉट इज फाइल स्ट्रीम? फाइल स्ट्रीम क्या होती है? फ्लो ऑफ डाटा। बेसिकली फाइल स्ट्रीम क्या है? फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ स्ट्रीम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ डाटा इन बाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल और वाइस वर्सा, मीन्स फाइल टू प्रोग्राम। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। टेक्स्ट स्ट्रीम फर्स्ट क्या है आपका? टेक्स्ट स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके अंदर की कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को देखा जाता है। ईच लाइन ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रीम में बी टर्मिनेटेड बाय अ न्यू लाइन कैरेक्टर। जो आपकी लाइन कैरेक्टर्स की आ रही है स्ट्रीम के अंदर, उसको टर्मिनेट हम कैसे करते हैं? न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैशन से। टेक्स्ट स्ट्रीम्स आर यूज फॉर टेक्सुअल डाटा। टेक्स्ट स्ट्रीम काय के लिए काम में आती है? टेक्सुअल डाटा के लिए, विच हैज़ अ कंसिस्टेंट अपीयरेंसी फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। सेकेंड वन क्या है आपका? बाइनरी स्ट्रीम। दो तरह की फाइल स्ट्रीम में, पहली आपको बताई थी टेक्स्ट स्ट्रीम, अब क्या है दूसरी आपकी? बाइनरी स्ट्रीम। इसमें इट इज़ अ सीरीज ऑफ बाइट्स। ये क्या है? सीरीज काय की है? बाइट्स की। बाइनरी स्ट्रीम्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर नॉन टेक्सचुअल डाटा। टेक्स्ट स्ट्रीम काय के काम आती है? टेक्सचुअल डाटा के लिए, जबकि बाइनरी स्ट्रीम क्या काम आती है? नॉन टेक्सचुअल डाटा के लिए, विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप एग्जैक्ट कंटेंट्स ऑफ द फाइल। जिसके लिए क्या है? जो एग्जैक्ट जो कंटेंट्स है फाइल के, वो उसमें निहित रहते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स, दो तरह की टाइप होती है फाइल की, ASCII टेक्स्ट फाइल और दूसरा क्या है? बाइनरी फाइल्स। फर्स्ट है ASCII टेक्स्ट फाइल्स। अ टेक्स्ट फाइल कैन बी अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। जैसा आपको बताया था, टेक्स्ट फाइल में किसका फ्लो होता है? कैरेक्टर्स का, दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस सीक्वेंशियली, जिसको कंप्यूटर सीक्वेंशियली प्रोसेस, एक के बाद एक प्रोसेस करता है। यानी एक के बाद एक प्रोसेस करेगा तो उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ प्रोसेस्ड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ ओपन फॉर वन काइंड ऑफ ऑपरेशन, रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग। इसके अंदर क्या ऑपरेशन काम में लिए जाते हैं? फाइल को रीड करने का, राइट करने का, या अपेंड, मतलब कोई डेटा को ऐड करना है एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम पे। वी कैन रीड ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। हम लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को पढ़ सकते हैं, जबकि बाइनरी फाइल क्या है? अ बाइनरी फाइल इज़ अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज सच एज इंटीजर्स, फ्लोट्स और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स यूजिंग देयर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जबकि बाइनरी फाइल क्या करती है? फाइल में क्या होता है आपका? डेटा वैल्यूज कैसे स्टोर की जा सकती है? इंटीजर के रूप में, फ्लोट के रूप में या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के। जबकि टेक्स्ट फाइल में कैसी होती है? केवल क्या होते हैं उसके अंदर? कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। अब बाइनरी फाइल इज ऑल्सो रेफर टू एज अ कैरेक्टर स्ट्रीम, सेव्स द डेटा इन बाइनरी कोड्स।
तो ये डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में. यूजेस ऑफ फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस. फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एफ ओपन क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर यूज, एफ क्लोज क्लोजेज अ फाइल, अगर फाइल को क्लोज करना है एफ क्लोज, गेट सी एक करेक्टर को फाइल से पढ़ना है रीड करना है तो गेट सी, पुट सी राइट अ करेक्टर, एफ प्रिंट एफ राइट अ सेट ऑफ वैल्यूज टू अ फाइल, एफ स्कैन एफ रीड्स अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम अ फाइल, तो अगर राइट करना है तो एफ प्रिंट और अगर रीड करना है तो एफ स्कैन एफ, गेट डब्ल्यू रीड्स अ इंटीजर फ्रॉम अ फाइल, पुट डब्ल्यू राइट एन इंटीजर टू द फाइल. तो ये सब आपके क्या है फाइल फंक्शंस दिए गए हैं, एफ सीक एफ टेल रिवाइंड, ये सब चीज़ें क्या है आपकी जिसका कि डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई है. नेमिंग अ फाइल, फाइल को नेम कैसे करते हैं. अ फाइल इज आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम, फाइल को उसके नाम से जाना जाता है. दिस नेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है, फाइल नेम और दूसरा है एक्सटेंशन. फाइल नेम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हम इसमें काम में ले सकते हैं. और एक्सटेंशन क्या बताएगा, जो कि फाइल का टाइप बताएगा, इट इज डिस्क्राइब्स द फाइल टाइप. ओपनिंग अ फाइल, फाइल को खोला कैसे जाता है. टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन रीड और राइट ऑन अ फाइल, द फाइल मस्ट बी ब्रॉट इन टू मेमोरी फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, अगर आपको फाइल पे कोई भी ऑपरेशन करने हैं, फाइल को पढ़ना है या फाइल में कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमारे को फाइल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, यानी हार्ड डिस्क से आपको मेमोरी में लाना पड़ेगा. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी इज कॉल्ड ओपनिंग द फाइल. इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, सेकेंडरी स्टोरेज से उस फाइल को मेमोरी में लाना, वो प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, ओपनिंग द फाइल. ओपनिंग अ फाइल, बिफोर ओपनिंग अ फाइल वी नीड टू डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर. अ फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल विच इज डिफाइंड इन द stdio.h हेडर फाइल. अगर फाइल को आपको ओपन करना है तो हमारे को लिए आवश्यक है कि हम अब उसका फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करें. फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, फाइल स्टार fptr, जैसा कि सिंटेक्स दिया गया है इसके अंदर. उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेम ऑफ फाइल मोड इज ओपन इन स्टार्टिंग बफर एड्रेस अ कैरेक्टर पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द कैरेक्टर बीइंग रीड. ओपनिंग अ फाइल कैसे ओपन करना है, फाइल स्टार एफ ओपन कैरेक्टर स्टार एफ नेम यानी फाइल का नाम कॉमा, दूसरा क्या है आपका क्या आ रहा है, कैरेक्टर स्टार मोड. दूसरा ऑपरेशन क्या है, मोड ऑपरेशन, किस मोड में आपको फाइल को खोलना है. एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, लाइक ऑल द अदर फाइल सिस्टम फंक्शन यूजेस द हेडर फाइल stdio.h, द नेम ऑफ द फाइल टू बी ओपन इज पॉइंटेड टू बाय एफ नेम, जो फाइल का नाम है वो एफ नेम से आ जाएगा. और उसके बाद में जो आपका कैरेक्टर, दूसरा जो आपका पैरामीटर है मोड का है, वो बताता है कि फाइल को आपको कैसे एक्सेस करना है, रीड मोड में करना है या राइट मोड में करना है, R फॉर रीड एंड W फॉर अपेंड. ये आपके मोड्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे फाइल को ओपन किया जा सकता है. जैसे कि R से क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल को आपने केवल रीड करना है तो R मोड, W है तो केवल आपको राइटिंग मोड, A है तो अपेंड मोड, बाइनरी को रीड करना है तो RB, WB, AB, R प्लस ओपन है टेक्स्ट फाइल फॉर रीड राइट ऑपरेशन दोनों करने हैं तो R प्लस, W प्लस ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल. ये सब क्या है आपके मोड्स हैं, किसके लिए है, फाइल के साथ में आपको क्या करना है ऑपरेशन वो बताने के लिए. ये एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि हाउ टू ओपन अ फाइल, स्टार fp आपको पॉइंटर बता दिया, fp इज इक्वल टू एफ ओपन, माई फाइल, माई फाइल फाइल का आपका नाम आ गया, और उसके ऊपर मोड कौन सा लगा रहे हैं हम, R, R क्या है आपका, रीड मोड. तो ये इसको फाइल को कोई भी एक ओपन करने का तरीका है. थैंक यू.